हम आपसे आपसे बात करके आपसे फिर से बैठकर कंफर्म कर इनफैक्ट बोर्ड में पास होने के बाद ही वो रिफॉर्म्स आएगा, तो प्रक्रिया चालू हुई है, ये बहुत अच्छी बात है और इसमें सभी चैंबर के सदस्यों का बहुत सहयोग मिल रहा है। थैंक यू सो मच टू ऑल द चैंबर। आज ट्रेड लाइसेंस को लेकर हमारी मीटिंग है, तो इस विषय में ऑलरेडी एक इंटरनल हमारी जो टीम थी विभिन्न बोर्डों की उसकी हमने मीटिंग की है और जिसमें काफी अच्छे अच्छे सुझाव आए थे। तो आज हम चाहते हैं कि हमारे चैंबर्स की तरफ से, क्योंकि आप जो है रियल लाइफ चैलेंजेस वहां पर देखते हैं, आपको क्या क्या असुविधा हो रही है उसको भी हम आज सुनेंगे आपसे इनकॉर्पोरेट कोशिश करके, फिर दोनों को मिलाकर एक जो है एक हमारे रूल्स के हिसाब से क्या हो सकता है। बिकॉज रिसेंटली 2019 में हमारे यूनियन डिपार्टमेंट का भी एक बड़ा ऑर्डर है विद रिगार्ड टू रियल लाइफ कि क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या हमारे इख्तियार में बड़ी छूट है। तो मैं जस्ट आप लोगों की क्या क्या समस्याएं आप देख रहे हैं ये हम आज नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद हमारी इंटरनल जो सुझाव हैं और आपकी सुझाव और एज पर रूल्स तीनों को मिलाकर हम एनालिसिस और सुझाव हैं आप एक इंट्रोडक्शन देते हुए अपने सुझाव जो हैं दे सकते हैं। सर मैं सेक्रेटरी आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स, सबसे पहले मैं आपने जो दो किया है उसके लिए आपको सारे चैम्बर की तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और आरो साथ का हर वक्त हम लोग का सहयोग मिला है। सर्वप्रथम सर हम लोगों का जो अभी जो पेंडिंग चल रहा है जो ट्रेड लाइसेंस जितना ऑनलाइन अप्लाई, तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले वो इमीडिएट वो उनको रिलीज कर दिया जाए क्योंकि काफी पेंडिंग है और उसका सही से रेस्पॉन्स जो है वहां से रिप्लाई ठीक से नहीं मिलता बोरो से, इसलिए पहले तो अगर वो लोड आपका कम हो जाएगा फिर जब नया हम आपके सामने अपने समस्या को प्रस्तुत करेंगे तब आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि पहले ही आप बहुत ज्यादा लोड ठीक है सर। प्लस हम लोगों ने जो प्रस्ताव दिया था सर कि ये प्रॉपर्टी टैक्स जो हम लोग का इंक्लूड है उसके साथ, उस वजह से ये ट्रेड लाइसेंस में समस्या है यार। हमारे आज 80% हमने बताया था कि यहाँ पे लोकल व्यवसाय जो है उनके पास ट्रेड लाइसेंस नहीं होने का कारण ही है, इसलिए हम लोगों ने सुझाव पहले भी दिया था आपको लिखित भी दिया है कि ट्रेड लाइसेंस सरलीकरण किया जाए, इसलिए हमने कहा था कि हम लोग कैंप करना चाहते हैं जिसका स्लोगन ही रहेगा ट्रेड लाइसेंस बनाना हुआ आसान, जिससे कि सारे लोग आए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे जुड़े, उससे तो कॉर्पोरेशन का ही रेवेन्यू जनरेट होगा सर। अगर ज्यादा लोग आपके पास जुड़ते हैं और इजी वे में ट्रेड लाइसेंस बनता है तो आपसे जुड़ेंगे रेवेन्यू तो हमारा कॉर्पोरेशन को मिलेगा, कॉर्पोरेशन को अगर रेवेन्यू मिलता है तो शहर का उन्नति होगा, तो हम लोग चाहेंगे कि उस पर यह हो। और सर जो अभी हम लोगों का सभी का ऊपर दबाव रहता है कि एक बंगला में साइन बोर्ड होना चाहिए, हम लोग भी चाहते हैं जरूर बंगला का, हम लोग जब बंगाल में हैं सर तो कम से कम उसको ये सहूलियत दिया जाए कि एक, क्योंकि किसी के पास जगह का भाव है, किसी के पास कहता है कि इसमें 1000 रुपये हम लोग का साल में खर्चा होता है, तो उसको देख लिया जाए, मैंने एकदम ये नहीं कह जाए कि एकदम बॉन्ड ही करना है, ये तो मेरा इच्छा है जरूर होना चाहिए, हम लोग भी चाहते हैं उत्थान होना चाहिए, ये होना चाहिए सर। और आप लोग जो भी डिसीजन लेंगे यहाँ पर उसका जैसे सर्कुलेशन आप लोग सारे बोरों में करेंगे तो हम मेरे जितने भी चैम्बर हैं उनमें भी आप सर्कुलर दीजिए जिससे कि हम लोग अपने जितने मेंबर हैं उनको हम लोग सब जगह सर्कुलेट कर सके कि कॉर्पोरेशन के तरफ से ये सर्कुलर हुआ है, ये सरलीकरण हुआ है, ये सहूलियत दिया गया है, उससे हम लोग के सारे मेंबर जुड़ेंगे, उसमें हम लोग हर वक्त आपके साथ। मीटिंग हुआ आज बहुत रचनात्मक हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं, हमारे जो सीईओ साहब आए हैं खूब एनर्जेटिक हैं और काम करने को उनको भी इच्छा है और हम व्यापारी वर्ग भी चाहते हैं कि जो भी जो जो समस्या है उसमें हम लोग को सहूलियत मिल करके समस्या का समाधान हो। जितने व्यापारी हैं कोरोना के वजह से बहुत त्रस्त है, हम लोगों के बिजनेस का ग्राफ जो है 7% कम हो गया है, इसलिए हम लोग रियायत चाहते हैं और हम लोग जो जो नियम संविधान में है वो तो हम लोग फुलफिल करेंगे, हम लोग कोई कोताही नहीं करेंगे, बट हम लोग को सहूलियत चाहिए और सहूलियत करके और सरलीकरण करना चाहिए। एक दो बात करके अपना परिचय दीजिए। विनोद कुमार गुप्ता कडे आसनसोल जनरल सेक्रेटरी। आज AMC के कमिश्नर श्री नितिन सिंघानिया जी के निर्देशन पर व्यापारियों और इंडस्ट्रीज की मीटिंग हुई, जिस उपाय हैं उस पर चर्चा हुई। व्यापारियों ने
जो कि रानीगंज, जमुड़िया, आसनसोल, नियामतपुर, बराकर, बनपुर, सभी जगह से व्यापारी आए, उन्होंने अपने सुझाव रखे हैं। पिछली बार होल्डिंग टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स पर चर्चा हुई थी, उन्होंने सारे सुझावों को एकत्रित किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पिछले 4-5 वर्षों में जो भी जटिलताएँ आई है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको हम लोग सिंप्लीफाइड करेंगे, ट्रेड लाइसेंस को सिंपल करेंगे, और जो हमारी डिमांड थी अन्य 16-17 से जो बढ़ती का पैसा, डीलिंकिंग ऑफ ट्रेड लाइसेंस एंड प्रॉपर्टी टैक्स, इसके अलावा जो यूनिट एरिया असेसमेंट के लेकर जो हम लोगों ने चर्चा की, ये सब पर हम उन्होंने आश्वासन दिया कि वो लोग अपने बोर्ड मीटिंग में इस पर चर्चा करेंगे। जितने मैक्सिमम सुविधाएँ संभव होगी वह देंगे, और इसके साथ ही छोटे छोटे व्यापारियों को जो भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो गार्बेज टैक्स को लेकर हो या पानी से संबंधित समस्या हो, सबका समाधान होगा। क्योंकि पिछले 10-15 दिनों में हम लोगों ने देखा है कि कई सारी समस्याओं का समाधान हुआ है और बहुत सारी योजनाएं स्टार्ट हो गई है। रानीगंज में जैसे हिंदी, गुरु नानक हिंदी स्कूल की शुरुआत हो गई है, बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए कि एमसी के नए कमिश्नर और हमारे जो नीति नियंताओं ने एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है। हम लोग काफ़ी आशावान हैं और आगे चलकर इसी तरह से कार्य होते रहेगा। आपका परिचय? रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष संदीप भालोटिया। अच्छा, आज आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कॉरपोरेशन के कमिश्नर मिस्टर सिंघानिया के साथ आसन इस अंचल के जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं सभी के प्रतिनिधियों के साथ ट्रेड लाइसेंस को लेकर आज बैठक थी। बहुत ही अच्छा मीटिंग रहा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जितना भी प्रपोजल दिया गया उस पर वो नोट डाउन किए हैं और उस पर जल्द से जल्द उस पर जो भी होगा वो करने के लिए हम लोगों को आश्वासन दिए हैं। हम लोगों ने सबसे प्रथम अपना रखा है जो ट्रेड लाइसेंस है, जो ट्रेड लाइसेंस बनाने में लोगों को हिचकिचाहट होती है उसमें सरलीकरण किया जाए, और उसके ट्रेड लाइसेंस बनाने में जो कागजात मांगे जाते हैं उस कागजात पे रोक लगे और आसानी से जैसे लोग ट्रेड लाइसेंस बना सकें और होल्डिंग टैक्स उसके साथ अटैच नहीं हो, उसका हम लोगों ने जोरदार सभी चैम्बर की तरफ से आवाज़ उठाई है और आशा करते हैं जल्द से जल्द इस पर जो है कार्रवाई होगी और यहाँ के सारे व्यवसायी जो हैं ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जुटेंगे। आप अपना परिचय दीजिए। मैं सेक्रेटरी आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स शंभुनाथ झा, और मैंने आज प्रपोजल सबसे पहले दिया है कि मैं अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक ट्रेड लाइसेंस का कैंप करना चाहता हूँ जिससे सारे व्यवसायी को हम लोग ट्रेड लाइसेंस से जोड़ना चाहते हैं।